Bismillahir Rahmanir Rahim respected teachers and dear students assalamu alaikum i am wakas ahmed and today we will discuss about mathematics 3 unit number 1 this is about whole number and this is our lesson number 15 in this lesson we will discuss about how to solve problems related to the concept of comparison of two numbers up to 3 digits using symbol लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड देन राइट द गिवन सेट ऑफ नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अप टू थ्री डिजिट्स। हमारे पास जो मेन टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए या एस डिस्कस किए उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको हमने देखना है कि किस तरह सॉल्व करनी है मैं जस्ट पर आपको मेथोडोलॉजी बताऊंगा बट खुद करना चेक है, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है वहां पर आपने अपने क्वेश्चन होमवर्क कॉपी के ऊपर करने के बाद टेली कर लेने हैं कैसे देखें फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई एंड नेम सिंबल्स आपके पास गिवन सिंबल्स हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सिंबल किस परपज के लिए यूज होती है देखिए ये सिंबल जिस साइड पे ये इसके माउथ जो है वो ओपन है <coughs> वो साइड ग्रेटर है इसको हम लोग इज ग्रेटर देन और दूसरी सिंबल ये आपको पता है ये मैंने आपको बताया था ये आप खुद राइट करेंगे सिमिलरली आपने सेकंड सिंबल भी थर्ड th सिंबल भी राइट कर देनी है और उसके बाद आपने अपना आंसर जो है वो टैली कर लेना है अब नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर टू की तरफ पुट लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू इन द बॉक्सेस ये जो बॉक्सेस हैं आपने गिवन नंबर्स को कंपेयर करना है और फिर अप्रोप्रियट सिंबल जो है वो वहां पर पुट कर देनी है देखें फर्स्ट में देखें इनको कंपेयर करेंगे हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे नंबर है वो टू डिजिट नंबर है जो राइट right साइड पे है वो थ्री डिजिट नंबर है। तो हम मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास लेफ्ट साइड पे नंबर है वो उसके डिजिट कम है जो राइट right साइड पे है उसके डिजिट्स जो है वो ज्यादा हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जिसके डिजिट्स कम है उसको हम लोग वो लेस होगा और दूसरा जिसके डिजिट्स ज्यादा हैं वो ग्रेटर होगा सिमिलरली आपने बी पार्ट को कंपेयर करना है जैसे ही आपने बी पार्ट को कंपेयर किया तो आपके पास लेफ्ट साइड पे जो नंबर है उसके डिजिट्स ज्यादा है मैक्सिमम है और जो राइट राइट साइड पे नंबर है उसके डिजिट्स जो हैं वो लेस हैं. तो अब आपने क्या करना है जिसके ज्यादा डिजिट्स हैं वो नंबर ग्रेटर होगा और बाकी जो दूसरा जिसके काम है वो लेस होगा सो so, अब हमारे पास क्या था कि नंबर्स जो था थ्री डिजिट नंबर जो है वो ग्रेटर है टू डिजिट नंबर जो है वो लेस है अब आपने क्या करना है इसी तरह दूसरे क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व कर लेने हैं एफ पार्ट तक आपने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है सिमिलरली आपने नंबर्स को क्वेश्चन थ्री को आपने अरेंज करना है अरेंज कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप नंबर्स को देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है एंड देन लार्जेस्ट नंबर कौन सा है देखें यहां से हमें फर्स्ट जो व्यू है उसी में नजर आ रहा है कि जिसके डिजिट्स कम है वो सबसे स्मॉलेस्ट है ट्वेंटी वन उसके कम है एंड देन आपके पास बाकी जो तीनों नंबर हैं उनको बाद में कंपेयर कर लें कैसे करेंगे फर्स्ट जो आपके पास ये टू नंबर हैं 621 और 683 इनके जो 100 प्लेस के ऊपर डिजिट्स है वो सेम है फिर हम लोग जो है टेंथ वाले को कंपेयर करेंगे एंड देन 21 के बाद जो है आपके पास 324 आ जाता है क्योंकि ये 6 से लेस है तो अब आपके पास कितने बन गए ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर थर्ड नंबर 621 एंड देन 683 इसी तरह आपने इसको सीक्वेंस में राइट कर देंगे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट सो आपके पास यह नंबर अरेज हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह देखे बिल्कुल ऐसे ही राइट करना है ट्वेंटी वन थ्री ट्वेंटी फोर एंड देंस ट्वेंटी वन एट द एंड सिक्स एटी थ्री सो नाउ यू हैव अरेन्ज इन दीज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर सिमिलरली आपने बी सी और डी पार्ट को कंप्लीट कर लेना है कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी नोटबुक जो है वो अपने टीचर को सबमिट करनी है अब आ जाए क्वेश्चन नंबर के ऊपर इसकी स्टेटमेंट क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मैंने आपको बताया था कि नंबर को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है किस तरह के कंपेयर कंपेयर करें सबसे जो लार्जेस्ट है वो पहले आएगा उसके बाद स्मॉलेस्ट फिर स्मॉलेस्ट एट द एंड सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो आ जाएगा तो आपके नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइट द नंबर्स में आपने इन दोनों नंबर्स को चेक करना है कि मतलब के, दोनों प्लेस के ऊपर राइट करें देखें किस तरह असेंडिंग ऑर्डर में ए, ए पार्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें बी पार्ट को जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है प्रीवियस लेसन में भी मैं काफी दफा यहां पर word problems है, वहां पर वर्ड आई वहां बता चुका हूं कि सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है उसमें जो आपके पास गिवन फैक्ट्स होते हैं उनको देखना है कौन सी चीजें गिवन है और कौन सी चीजें आपने फाइंड आउट करनी है देन आपने उनको सॉल्व कर देना है। अब 985 है 985 रुपीज इन हिज पॉकेट एंड अमाद हैज फोर नाइनटी रुपीज विद मतलब के पास है और अमाद के पास फोर है तो अब आपने चेक करना है किसके पास ज्यादा है किसके पास चेक करें हु हैज मोर मनी सारी बातें आप कंपेयर करेंगे फोर एटी सॉरी नाइन एटी फाइव एंड फोर को अब आपने हंड्रेड प्लेस के ऊपर जो डिजिट है उसको कंपेयर करें नाइन ग्रेटर होता है फोर से सो जो एहत है उसके पास ज्यादा अमाउंट है इसी तरह आपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है इमान एंड क्वेश्चन नंबर सेवन एंड हर फ्रेंड मेड अ लिस्ट फॉर द नंबर ऑफ ट्रीज इन देयर नेबरहुड एज फॉलो ये नंबर ऑफ ट्रीज है एटीन है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी थ्री है एंड है, 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 है इनको आपने अरेंज कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में आप कर ले बट यहां पर जो इंस्ट्रक्शन है अरेंज दिस लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ओनली डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है सिमिलरली क्वेश्चन एट जो है ये आपने अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन सॉल्व कर लेना है तो स्टूडेंट्स होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरह आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो है अपना जो है, है, उनको करना है, जो सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उसके साथ, फिर आपने अपनी अपने को सबमिट कर देनी है एट द एंड आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अपने टीचर को सबमिट करना है कैसे फ्यू इमेजेस ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स गिवन है, ये दी हुई है. फाइंड द प्राइस ऑफ ऑल दीज आइटम्स इन यूर एरिया आपने सब फूड आइटम्स की प्राइस मार्केट से लेनी है पूछनी है अपनी मदर से हेल्प ले लें फादर से हेल्प ले लें या बड़े भाई से या जिससे भी लेनी है हेल्प ले सकते हैं और इस इनकी प्राइसिस लिस्ट जो है वो फाइंड करें अपने एरिया में से और फिर उसको उस प्राइस लिस्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके अपने टीचर को जो चार्ट पेपर के ऊपर अपने को वो चार्ट पेपर आपने सबमिट करना है तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सॉल्यूशन मैनुअल अबाउट दिस एक्सरसाइज वन एफ ये मिल जाएगा और इसी लेसन से रिलेटेड पावर पॉइंट प्रे, प्रेजेंटेशन भी वहां पर अवेलेबल होगी आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरह आपने एक्सरसाइज को सोल्व करना है थैंक यू वेरी मच इनशाला वी विल सी इन आर नेक्स्ट क्लास अल्लाह हाफि